आज के समय में सबके पास व्हीकल है, उसे चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंस जल्दी बनवाने के चक्कर में लोग ब्रोकर ढूंढ लेते हैं और उन्हें ज़्यादा पैसा देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। वहीं कई केस में ब्रोकर पैसे लेकर चंपत हो जाते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे आसानी से ऑनलाइन अप्लाई करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, बिना गियर वाले के लिए 16 वर्ष उम्र पर माता पिता की रजामंदी होनी चाहिए, आवेदक कम से कम 8 स्टैंडर्ड पास हो, कुछ राज्यों में उम्र 20 वर्ष मान्य है, ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन की जानकारी हो, वैलिड एड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए? स्थायी पता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, हाउस टैक्स, तहसील या डीएम ऑफिस द्वारा जारी किए गए आवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का मार्कशीट या प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जनपत्र या मजिस्ट्रेट के सामने डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट, आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज के कलर फोटो। ऑनलाइन प्रोसेस, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर जाएं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर अपने राज्य को चुनें और क्लिक करें। जो नया पेज ओपन होगा उसमें कई ऑप्शन दिखेंगे, उसमें एक ऑप्शन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करें। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में अपनी सभी जानकारी भरें, स्टेट आरटीओ ऑफिस सिलेक्ट करें, अपना नाम दर्ज करें, अपने पिता का नाम भरें, अपना जेंडर लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, क्वालिफिकेशन की जानकारी भरें, मोबाइल नंबर दें, पहचान चिन्ह की जानकारी दें, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस भरें, लैंडमार्क और पिन कोड भरें, किस वाहन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी, सभी जानकारी सही भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फोटो और साइन अपलोड करें, फिजिकल टेस्ट के लिए कैलेंडर में दिन बुक करें। फॉर्म भर जाने के बाद फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन पूरा हो जाने के बाद आवेदन संख्या लिख लें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या करें? फॉर्म भरते समय फिजिकल टेस्ट के लिए जो आपने स्लॉट बुक किया है उस डेट का इंतजार करें। बुक किए गए डेट वाले दिन समय से पहुंचें। संबंधित अधिकारी आपकी पूरी डिटेल लेकर आपको तय समय पर बुलाएगा। यहां से आपकी शुरू होगी फिजिकल टेस्ट ड्राइव। अब आपने जिस वाहन के लिए अप्लाई किया है उस वाहन के साथ आपका टेस्ट होगा। उस गाड़ी को सही तरीके से रूल एंड रेगुलेशंस के तहत चलाकर दिखाना होगा। इस टेस्ट के लिए आपका वाहन साथ होना चाहिए। संबंधित अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद सब अच्छा हुआ तो अधिकारी अपना फीडबैक दे देगा। उसके बाद आपके आवेदन को पूर्ण स्वीकृति मिल जाएगी। फिर कुछ दिनों में आपके घर लाइसेंस डाक द्वारा प्राप्त हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर क्या करें? नज़दीकी पुलिस थाने में FIR लिखाएं, उस कंप्लेंट की एक कॉपी ले लें, नज़दीकी नोटरी ऑफिस जाकर संपर्क करें, नोटरी ऑफिस में एफिडेविट बनवाएं स्टैम्प पेपर में। एफिडेविट बनवाने के लिए कुछ चार्ज पे करना होगा, ये प्रूफ की तरह उपयोग होगा जो कि वेरीफाई करेगा कि आपका लाइसेंस गुम हो गया है। डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर्म के साथ एक एफिडेविट के साथ संलग्न कर दें। कुछ दिन बाद आपको डाक के द्वारा आपको नया लाइसेंस मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के फायदे, यह आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, किसी ट्रेवल में जाने पर यह वेरीफाई करता है कि आप कौन हैं, कहां से हैं। अन्य कई सरकारी और गैर सरकारी जगह पर आइडेंटिफिकेशन के लिए मान्य होता है। ट्रेवल में आसानी होती है, गाड़ी खरीदने के लिए भी इसका उपयोग होता है। सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हुए लीगल तौर पर आप वेरीफाई हो जाते हैं। रोड पर गाड़ी चलाने के लिए बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। DL और LL में अंतर, LL मतलब लर्निंग लाइसेंस और DL मतलब ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे पहले LL के लिए अप्लाई करना होगा जिसकी एक समय सीमा होती है। उसका मुख्य उद्देश्य है ड्राइवर को ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो जाए और नियम कानून से परिचित हो जाए और गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद DL के लिए अप्लाई करें। DL के लिए आप LL का समय हो जाने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट लाइसेंस होता है जो 15 वर्ष के लिए वैलिड होता है, उसके बाद इसे रिन्यू करना होता है। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।